नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल एम आर के सिविल एजुकेशन। डियर्स, मैं आज आपके लिए एक ये अपनी जो ईंट कैसे बनती है, इंडिया के अंदर ब्रिक्स कैसे बनती है, इसकी वीडियो एक मैं पहले लेके आया था, जिसके अंदर कि मैं इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश एक स्टेट है और इंदौर सिटी है, वहाँ के एक एरिए के अंदर मैंने दिखाया था कैसे कैसे ईंट बनती है। परंतु आज मैं इस वक्त हरियाणा से हूँ और हरियाणा के अंदर ईंट के जो भट्टे हैं इस एरिए के अंदर, वो कैसे कैसे बनती है, मैं उस हिसाब से आपको आज इस टॉपिक के बारे में बात करूँगा। फ़िलहाल क्या है कि यहाँ आना हुआ हरियाणा में, तो सोचा कि वीडियो बना ली जाए, क्योंकि अगर फ़िलहाल भट्टे बंद हैं, फ़िलहाल चलो नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ही भट्टे चलाएँगे, फ़िलहाल तो जो ईंटें बनी हुई है इनकी, वही ईंटें निकालने का काम जारी है इनका। तो मैं पूरा आपको डिटेल से ज़्यादा कुछ चीज़ें बताता हूँ जितना हो सके मेरे को मिलेगा। तो जैसे मैं साइड में आपको दिखा पा रहा हूँ कि इन्होंने जैसे बिल्कुल जेसीबी चला के इसको जगह को प्लेन कर रखा है, और सामने जो ये मिट्टी का ढेर है, आपने डियर्स मेरे एक चीज़ नोट की होगी कि एमपी के अंदर जिन्होंने जो ईंट बनाते हैं, यानी कि भट्टे पर जो लेके आते हैं, भट्टे पर जो लेके आते हैं ईंट को पकाने के लिए, तो वो चीज़ आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, देखा होगा कि बहुत एक लंबा सारा प्रोसीजर है वहाँ पे। पहले गार को जो मिट्टी होती है उसको पानी की तरह उसमें भिगोया जाता है, फिर उसमें पंप के द्वारा एक जगह डाला जाता है, बहुत ही लंबी एक बहुत काफ़ी सारी एक लंबी सारी प्रक्रिया होती है उसके अंदर, और 6-7 दिन बाद वो गीला होकर तैयार होता है, फलाना फलाना करके बहुत एक लंबा चौड़ा सिस्टम सा करके कम से कम 10 से 15 दिन लगता है। और अभी जो यहाँ का जो है अपना, ये मैं जहाँ हरियाणा से हूँ उस वक्त जहाँ पे ईंट अभी वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे, इधर क्या सिस्टम है कि ईंट जो कच्ची ईंट जो रहती है इनकी, कच्ची ईंट जो ये बनाते हैं उसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, मिट्टी का ढेर है, इसको गीला किया और सांचे में निकाला, बस मिट्टी का ढेर है, इसको गीला किया। और गीला करने के पहले तो हाथ से करते थे, आजकल ये मशीनें आ गई है मिट्टी गीला करने वाली, ताकि गार बन जाता है, वो गार आजकल हाथ से भी नहीं करते, पहले तो हाथ से करते थे, अब वो भी बंद हो गया है। अभी क्या होती है, मशीन मिक्स कर देती है, और ये मशीन मिक्स करके और फिर उसमें जो इनके डब्बियाँ बनी होती है उन डब्बियों में सब डाल देते हैं। मैं पास में थोड़ा दिखाऊँगा कच्चे ईंटे जाके आपको। वैसे ये प्लेन अभी तो साफ़ कर रखा है क्योंकि सीज़न नहीं है, अभी इनका बनाने का सीज़न शुरू होगा और फिर ये कम से कम मार्च अप्रैल तक जाके स्टार्ट करेंगे ये लोग अपना। तो अभी फ़िलहाल ये बंद है, ये इतनी जगह है, प्लेन जगह, ये मिट्टी के ढेर इकट्ठे रखे हैं, यहाँ पे कच्ची ईंट बनाई जाती है, यानी कि इसमें लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है इनका। मैं आपको बता देता हूँ कि कच्ची ईंट जैसे आपने देखा होगा वहाँ तो बहुत लंबी सारा प्रक्रिया थी, इधर बहुत ही सिंपल है, बस गार मिट्टी लेके आए, काली मिट्टी चिकनी मिट्टी है, वो मिक्स किया और उसको पानी डाला, ईंट निकाली और ला के यहाँ रख दिया। अब मैं दूसरी पार्ट में लेके चलता हूँ कि जहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी, वहाँ जो ईंट पकाते हैं अपन लोग, ईंट जो लोग पकाते हैं रेडी करते हैं, उसमें बहुत ही आसान प्रक्रिया थी, परंतु यहाँ पे जाके वो चीज़ें काफ़ी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो जितना ईजी वहाँ था वो चीज़ ईजी यहाँ नहीं है, दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। वहाँ पर कच्ची ईंट बनाना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, यहाँ पर क्या है कि कच्ची ईंट बनाना आसान है, पक्की ईंट ईंट को पकाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। तो ये चिमनी है, मैं चिमनी के पास लेके चलता हूँ आपको, इतनी बड़ी चिमनी है दोस्तों, ये ऐसे करके ये देखिए आप। और ये कैसे कैसे ईंटें बनती है, चलिए चलते हैं। इतना बड़ा ये चिमनी का भट्टा बना हुआ है, और ये इसके चारों तरफ ये पूरा बड़ा एक भट्ट बनाई होती है, ये देखिए आप, देखोगे चारों तरफ से ये लेकर यहाँ से शुरू होता है, ये ब्रिक्स का ये दीवार, और बीच में इन्होंने अपना कचरा ईंट या मिट्टी भर रखी है जो इसके अंदर, पूरा ईंटों का बना के इन्होंने एक अपना सेटअप कर रखा है। मैं जो पास में लेके चलता हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। ये अभी इन्होंने क्या है कि ये पक्की ईंट है, पक्की ईंटों को निकाला जा रहा है बाहर में, ये पूरी ईंटी पक्के तैयार हो चुकी है। वो देखिए पक्की ईंट है दोस्तों, पक्की ईंटें निकाली जा रही है। चिमनी कैसे कैसे होती है, मैं नीचे चलता हूँ, ये कैसे कैसे ईंटें लगाई जाती है। फिलहाल आप देख रहे हो कि फिलहाल ये यहाँ पकी हुई ईंट है, उसको यहाँ खाली करके ट्राली में भरा जा रहा है। देखिए एक नंबर की फर्स्ट क्लास ईंटें निकली है, बिल्कुल सफेद ईंट है, एकदम पक्की ईंट है। तो
दूर से आप दोस्तों देख पा रहे। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, चिमनी के बारे में। ईंटें सबसे पहले चिमनी के बारे में बताता हूँ आपको मैं। इतनी बड़ी चिमनी होती है दोस्तों, ये चिमनी बनानी पड़ती है। देखिए ये भी ईंटों की बनी हुई होती है। अब ये चिमनी में कैसे काम करती है, ये देखिए इसके नीचे एक भट्टी टाइप में बनाई हुई है। ये इतनी बड़ी भट्टी है दोस्तों, ये देखो वो आप देख रहे हो, इसके नीचे एक वो बना हुआ, एक वो आगे भी आप देख पा रहे हो छोटा छोटा उसके अंदर जो बना हुआ है। देखो हल्के से गेट दिख रहे हैं जो ट्रैक्टर के आगे दिख रहे हैं। यहाँ से इसे जो पूरा बीच में नाला दिख रहा है आपको, नाले टाइप में खड्डा सा दिख रहा है। ये साइड में ये भी एक दीवार टाइप में बनी हुई है, साइडों में देखो ईंट की दीवार खड़ी करके उसमें मिट्टी भर दिया गया है। ये भी इस तरीके से, और ये एक रास्ता छोड़ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, ये ईंटों की यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है अभी। ये देखिए ऐसे ईंटें जमा रखी है। ईंटें यहाँ जमाई हुई है, ऊपर से इसमें आग डाली जाएगी, कोयला खीरा लकड़ी वो डाला जाएगा, और नीचे तक इसमें गैप है, गैप के अंदर चला जाएगा, आग जलती रहेगी, ठीक है। ऊपर आग जलती है, ऊपर थोड़ी सी कोयला मतलब खंगार टाइप में निकल जाती है। काफ़ी पकी हुई ईंट होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ईंट होती है, लगभग 15 न्यूटन और 20 के बीच में आएगी। और जो पहली लेयर के बाद, ऊपर ऊपर की लेयर के बाद थोड़ा जब नीचे जाएंगे तो फिर वहाँ पे अपने को 10 न्यूटन की ईंटें मिल जाएगी वहाँ पे सीधा सीधा, बस बढ़िया पक्की सफ़ेद नंबर के नंबर। और सबसे नीचे आखिरी में थोड़ा कच्चा ईंट होता है, वो भी आग चली जाती है, लगभग ज़्यादा कच्चा नहीं रहता, वहाँ पर पक जाता है। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर जमाया हुआ इन्होंने, पूरा ऐसे यहाँ से करके जमा दिया, बीच में इन्होंने भट्टी, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जमाया हुआ है। अब आप देखो कि इस पर मिट्टी विट्टी दिख रही है, मिट्टी नहीं है दोस्तों, ये ईंटें जमा के और फिर इसके ऊपर दो दो ईंटें इन्होंने रखी हुई है। और दो दो ईंटें रखने के बाद ये देखिए देखिए इसके अंदर आग जाएगी, कच्ची ईंटें फिर पक्के सब तैयार हो जाएगी, इसके अंदर आग जाती है, ये सब कच्ची ईंट है यहाँ पे, और यहाँ पे अगली डाली जाएगी, और ईंटों की एक लेयर पक्की ईंटों की लेयर जमा दी जाती है यहाँ पे बस। इस तरीके से डब्बियाँ होती है, यानी कि चिमनी के चारों तरफ में मान के चलो ये 15 फुट की ऐसा पूरा एक नाला, एक चिमनी बनी हुई है, 60-70 फुट की चिमनी है लगभग, आराम से होगा देर से, ये इतनी बड़ी चिमनी है ये। और चिमनी के बाद ये क्या होगा, इसके चारों तरफ में ये लगभग ये 150 फुट लंबा एक पूरा वो बनाया हुआ है ऐसे करके, और साइड में फिर ये नाला सा बना रखा है ये यहाँ पे 150 फुट के आसपास, साइड में एक दीवार टाइप में बना दी, बीच बीच में जगह छोड़ दिया, और ये ईंटें यहाँ पे जमा जमा के छोड़ दिया बस, और पूरा यहाँ से पैक कर दिया, हर रास्ता पैक कर देते हैं, बाद में इसको यहाँ से खोल दिया जाता है। ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखाना जा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए ये ईंटें से जमा रखी है यहाँ पे, ये जो ईंटें जमी होती है, ये ईंटें जमी हुई है, ये सारी कच्ची ईंट है अभी, पूरा वहाँ से लेकर पूरा एकदम चारों तरफ से कच्ची ईंट है। और थोड़े टाइम बाद अभी आग लगाना शुरू करेंगे ये लोग यहाँ पे, बीच बीच में गैप भी है और आग भर जाती है इसके अंदर। चलिए दोस्तों मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, ये कच्ची ईंट कैसे बनती है। वैसे अभी बन तो नहीं रही है क्योंकि बनी हुई है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ मैं, इनके खाचे बने होते हैं, नीचे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ से पैक कर रखा है इन्होंने, पूरे में ईंट जमा रखी है, फिर ईंटें ला के बाहर जमा देते हैं ये लोग। ईंटें रही है सब, ये देखिए ढेर से ऐसे ऐसे करके ईंटें जमा रखी है, और इसके अंदर से जैसे से ईंट दिखाई थी, ये देखो बीच में ऊपर ईंटें पक्की ईंट जमा रखी है, इसमें दो दो ईंट ये हटा हटा के क्या करेंगे, इसमें ना आग डालते रहेंगे कोयल। देखिए ढेर से ऐसे करके जमा रखा है, और इसमें जब आग लगाने का बहुत सिंपल फार्मूला है, यहाँ से निकालो, ऊपर से दो दो ईंटें निकालो, और इसके अंदर कोयले खीरे डालते रहो, नीचे तक आता रहेगा, जलता रहेगा बस, और ईंटें पकती रहेगी भट्टे में। ये देखो बस, और देखो ये पकी हुई है, इसको ऐसे उठाया जा रहा है।
ये देखिए पकिए दोस्तों, इसको यहाँ से उठाया जा रहा है इसे करके। ये से करके यहाँ पे जमाई जा रही है, ये से पूरा खाली है अभी, क्योंकि पहले लोट में इन्होंने पकाई थी। ये पूरा जैसे इतना बड़ा लोट है, उसके अंदर ये क्या करते हैं, इसको 50% यूज़ करते हैं, 50% 6 महीने में जैसे, और फिर 50% साल, ठीक है, ऐसे करते हैं। आधा ये तैयार हो गया, आधा निकाल लिया, आधा तैयार हो गया, ऐसे लोग निकालते रहेंगे इसके अंदर। और फिर ये देखिए बाहर लाला के इसको जमा देते हैं, ऐसे करके यहाँ पे रख देते हैं। अलग अलग टाइप की अंटे बनती रहती है इसके अंदर, ये बस, और कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। देखिए दोस्तों, कच्ची ईंट का ढेर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं ये लोग ईंट बनाते हैं। ये सारा वेस्टेज इन्होंने निकाल के रखा हुआ है, अभी फिलहाल ईंट बन नहीं रही, जब थोड़ा अभी काम चालू करेंगे ये लोग अपना, तो यहाँ से ईंटें बना बना के अपना साँचे से मिट्टी भिगो भिगो के और अपना ईंट बनाते रहेंगे। ईंट बनाना कच्चा बहुत ही आसान है, पकाना थोड़ा सा इनके लिए क्या होता है कि ये काफ़ी अलग प्रक्रिया है। इंदौर वालों को देखा होगा, MP के अंदर, मध्य प्रदेश में जो था वो काफ़ी सिंपल उनका प्रोसीजर था आग लगाने का, यहाँ का काफ़ी टफ है ये वाला, इधर का। उधर ईंट बनाना कितना मुश्किल था, काफ़ी कुछ वो मिक्स करते हैं, इधर वो सब चीज़ नहीं है, इधर बहुत ही सिंपल है बस। ओके डियर्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, फिर से कोई अलग से नया कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए मैं, ठीक है व्यूअर्स। ये था ईंट कैसे बनती है, पहले आपको मैंने इंदौर MP के दिखाई, जो कि इंडिया के बिल्कुल सेंट्रल में है, और ये जो अभी बनाई है ये है नॉर्थन इंडिया में, वो था सेंट्रल के अंदर था, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लगभग 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है। इधर ये नॉर्थ की साइड में है, बठिंडा बड़ा सिटी पड़ता है, पंजाब के नज़दीक में लगता है, ये फाजिलका गंगानगर के आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। चलिए दोस्तों, जरिए इजाज़त, ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले कंटेंट में। और इसमें जो एक दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, इसमें जो आग जलाने का आपको थोड़ा डाउट होगा कि आग जलाना तो आपने देख लिया होगा, अभी ईंटें ऊपर से उठा उठा के उसमें आग जो है लगा दी जाती है। आग लगाने के लिए अलग अलग से, जैसे सरसों का भूसा होता है, ये देखिए लकड़ी के गुटके हैं इसमें, तो अलग अलग चीज़ें, कोयला भी यूज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं आग जलाने के लिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।